नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय लोहरदगा में सदर अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध के नेतृत्व में उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो, डीडीसी अखौरी शशांक सिन्हा, परिवहन पदाधिकारी अमित बैसार, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध, आशुलिपिक बाल किशोर नाथ शाहदेव सहित अन्य अधिकारियों ने लगवाया बूस्टर डोज। वही बता दें कि बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए प्रशासन टीकाकरण पर पूरा जोर दे रहा है। देखिए, बूस्टर डोज प्रोटेक्शन के लिए लेना है और उसमें से जो भी हेल्थ केयर वर्कर है या फ्रंट लाइन वॉरियर है और 60 प्लस, उनको लेना है प्रोटेक्शन के लिए। इससे इसको लेने से अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगा। हम तो सभी से अपील करेंगे कि जो जनता के बीच में रहते हैं हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंट लाइन वॉरियर, ये जल्द से जल्द अपना प्रोटेक्टिव जो डोज ले लें ताकि वे इससे अपने आप को सुरक्षित करें और जनता में मैसेज भी जाए कि सब लोग सुरक्षा की दृष्टि से कोविड से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लें। काहे कि वैक्सीन ही एकमात्र दवा है जिससे कोविड 19 से मुकाबला किया जा सकता है। दूसरी बात है, अभी जो हल्का लक्षण दिखाई देता है, इसका म्यूटेंट कब चेंज करेगा ये कोई नहीं जानता है, इसीलिए बचाव के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा, पूरे जिला वासियों से, कि वे लोग जल्द से जल्द अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर के वैक्सीन ले लें। सर, ये जो बूस्टर डोज है सर, देखिए अभी तो गाइडलाइन है, वो तो 9 महीना के बाद लगा लेना है और हम लोग चूंकि मार्च अप्रैल में सेकेंड डोज ले लिए थे, इसलिए हम लोग को तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का गाइडलाइन है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं या वर्कर हैं उनको, और जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं उनको जरूर ले, और प्लस 60 प्लस के लोग जो हैं, जो भी आम आदमी है, वो सभी लोग ले लें। जैसा आप लोग को भी मालूम है कि 2021 में हम लोगों ने 14 जनवरी से इसकी शुरुआत की थी फर्स्ट डोज का, उसके बाद 28 दिनों के अंदर कोविशील्ड का वैक्सीनेशन लेना था। तो इसमें मुझे कहना है कि जो सेकेंड डोज में वैक्सीनेशन या फर्स्ट डोज जो लिए हैं, वही लोग सेम नाम का ही वैक्सीनेशन इस बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज में लेंगे, दूसरा इंजेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें कॉकटेल होने से परेशानी बढ़ सकती है। दूसरा चीज़ है कि गाइडलाइन के अनुसार सेकेंड डोज से 9 महीना का अंतराल होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सेकेंड डोज का इफेक्टिव जो इम्यूनिटी पावर बनता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर हम बूस्टर डोज ले लेंगे तो वो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और कोविड 19 के प्रति जो लड़ने की शक्ति है उसमें गति प्रदान होगा और इस प्रकार हम कोरोना से बच पाएंगे। जिला के सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे वैक्सीनेशन में सहयोग करें, जो वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो वैक्सीनेशन लें, कोरोना से बचने का यही उपाय है। और जो हम लोग कोरोना से बचने के लिए जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही ना करें, यही मेरा आप लोग से अनुरोध है। खास करके मकर संक्रांति के अवसर पर मेला उला ना लगाएं, भीड़ भाड़ ना करें, स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। लोहरदगा से वीरेंद्र मुंडा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।